नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। आज हम वीडियो के माध्यम से आपको किलकिला शिव मंदिर का संपूर्ण दर्शन कराएंगे। वीडियो में बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। आइए आपको मंदिर का संपूर्ण दर्शन कराते हैं। आइए आपको लेकर चलते हैं मंदिर प्रांगण के अंदर। पीछे देख रहे हैं, ये है किलकिलेश्वर महादेव जी का मंदिर। यही है किलकिला मुख्य मंदिर। यहाँ दुग्धेश्वर महादेव जी स्थापित हैं और यहाँ सावन में हजारों की संख्या में भक्त आते हैं सावन का पावन पर्व मनाने। और यहाँ महाशिवरात्रि में एक विशाल काय मेला लगता है जिसमें हजारों की हजारों संख्या में भीड़ होती है। भगवान यहाँ आते हैं, भक्त पूजा अर्चना पूजा पाठ करते हैं। रही है और किलकिला मंदिर का संपूर्ण परिसर है। आप जो मेरे पीछे देख रहे हैं वो है श्री जगन्नाथ जी का मंदिर, जो कि अभी मधुमक्खी छत्ता वहाँ विशाल रूप ले लिया इसलिए उसको बंद कर दिया गया है। और ठीक मेरे और पीछे आप देखेंगे तो यह है यहाँ का यज्ञशाला जिसमें महाशिवरात्रि के समय लघु रुद्र यज्ञ होता है। और आप इधर देखेंगे तो कुछ देवी देवताओं की और मूर्ति हैं। आप यहाँ परिवार के साथ बैठ सकते हैं, पूजा अर्चना कर सकते हैं। आप जो ये देख रहे हैं ये है माता रानी का मंदिर। और ठीक मेरे सामने आप देखेंगे यह दक्षिणेश्वर माता जी का मंदिर है। श्री राधा कृष्ण जी का मंदिर महाकुल समाज उदयपुर द्वारा अभी कुछ ही दिनों पहले इसका उद्घाटन किया गया है। यह किलकिलेश्वर महादेव मंदिर में श्री गोपाल कृष्ण गौशाला, यहाँ लगभग सैकड़ों की संख्या में गाय हैं। यहाँ के जो सेवक हैं दिन रात गौ माता की सेवा करते रहे हैं और बाबा जी भी हैं, वो बड़े गौ भक्त हैं। आप जो मेरे पीछे देख रहे हैं यह है किलकिला का मांड नदी। ये पत्थल गांव के पियाऊ जल के लिए एक मुख्य स्रोत है। और आप मेरे पीछे पेड़ पौधों की वजह से नहीं देख पा रहे होंगे, मेरे पीछे पंप हाउस है जहां से पत्थल गांव के नगरवासियों के लिए पानी की सप्लाई होती है। यह
यह है हमारे क्रिकलेश्वर महादेव के श्री श्री 108 श्री परम पूज्य कपिलदास जी बाबा। आइए उन्हीं से बात करते हैं, यही बताएंगे कि कब से यहाँ हैं, कब से इन्होंने दीक्षा ली, कब से यहाँ से ये बैठे हुए हैं। बाबा जी बता, तुम्हें कबू ऐठी अच्छो? अरे कभी जब जब तक बहुत दिन हो गला, 50 साल पर ही जाई। और तुम्हार गुरु आगे हमारे गुरु हम सामने में है हरिहर दास। केठुआ सी छो तुम्हें? हम उड़ीसा जनातपुरी से। बाबा जी बोल रहे हैं कि इनके गुरु हरिहर दास जी हैं और ये उड़ीसा से आए हुए हैं और ये काफ़ी दिनों से यहाँ, लगभग इनको यहाँ रहते हुए 50 साल हो गया है। और यदि आप किलकिला शिव मंदिर आते हैं तो इनके दर्शन के बिना आपका दर्शन अधूरा ही रहता है। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। आप शीघ्र अति शीघ्र पधारें हमारे किलकिलेश्वर महादेव धाम में। बोलिए हर हर महादेव।